झुंझुनू शहर में पतंगबाजी करना एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया है। शहर के काजीवाड़ा मोहल्ले में शहद मुस्लिम स्कूल की छत पर पतंग उड़ा रहा युवक 11,000 की केवी लाइन की चपेट में आकर स्कूल की इमारत से सटे ट्रांसफार्मर पर जा गिरा। युवक के गिरते ही ट्रांसफार्मर से चिंगारियां निकली। गंभीर हालत में उसे बीडीके अस्पताल में ले जाया गया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। युवक का चेहरा और शरीर बुरी तरह से झुलस गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 50% तक जला है। स्थानीय पार्षद सलीम कबाड़ी ने बताया कि काजीवाड़ा मोहल्ले में मुस्लिम स्कूल पर दूध कारोबारी लियाकत अली का बेटा नोमन पतंग उड़ा रहा था। इमारत के पास से ही 11,000 केवी की लाइन जा रही थी। पतंगबाजी करते हुए नोमन बिजली लाइन की तरफ आ गया। इस दौरान हाई वोल्टेज लाइन ने नोमन को खींच लिया। उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर पर जा गिरा। आज हादसा होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट है वो, और इनकी ग्रामीणों की मांग है कि इस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जाए, जिसकी उचित कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई पर उचित अधिकारियों को भिजवा दिया जाए।